नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड फार्मिंग इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। आज फिर एक वीडियो कवर कर रहे हैं, एक अच्छा काफ कैसे तैयार करें, काफ मैनेजमेंट के ऊपर ये वीडियो हमारी बन रही है। तो प्रदीप भाई साहब हमारे काली रावण से सिसाई गांव से गोत है या गांव के अंदर नाम है काली रावण गोत्र है जी अपना। अच्छा जी, और सिसाई काली रावण के नाम से ही मशहूर है। तो भाई साहब बताएं अपने जो काफ, पहले तो सब बताएं कौन से सीमन के ये, बारी बारी सबका नंबर आएगा। ये लाडला बुल की फीमेल है जी। लाडला बुल है जो सुखबीर भाई के पास है, जिसका माँ का रिकॉर्ड 26 किलो प्लस रहा है, 10 महीने की लैक्टेशन यील्ड करवाई है जिसमें इसने। लाडो भैंस है, बहुत ही अच्छी फिट क्वालिटी, थोड़ा गार्डर साइज, हर मामले में बेहतरीन जो कलटी बनेगी आगे आने वाले समय में। तो भाई साहब बताएं आप किस तरीके से इसको तैयार कर रहे हैं। 3 महीने तो दूध पिलाते हैं जी अपनी माँ का। कितना पिला देते हो? 6-7 किलो पूरा दिन में पिला दें जी। उसके बाद में कब दाना खाना लग जाती है? हाँ, साथ में दाना फिर दूध की कमी कर देते हैं, 1-1 किलो दूध, फिर लस्सी दही ये चलता है। कोई लीवर टॉनिक कैल्शियम मिनरल मिक्सर वे भी दे रहे हो इसको? नहीं, दूध पिलावा हाँ, और फिर फीड पाना है बाद में, तो फीड में सारी चीजें पूर्ति होती रहे, फिर जरूरत नहीं। अगर कुछ एक्स्ट्रा आता है बच्चों के लिए मिनरल मिक्सर अलग आता है, लीवर टॉनिक वार्मिंग तो करते हैं, बाकी कुछ प्रोटीन वगैरह भी देते हो? ना ना ना, वो कुछ नहीं है बच्चों के लिए। बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रही है फिर भी, और आगे वाली जो है उसके बारे में और बताएं। ये 70577 की है जी। 70577, बहुत ही अच्छा बुल है। जल्दी भी का रिकॉर्ड भी लगभग 5000 प्लस है उसकी माँ का, या पीछे से देख सकते हो आप, बहुत ही बढ़िया रिंकल्स बने हैं जट्टी के। कितने महीने की होगी भाई साहब ये? ये 13 महीने के आसपास है जी। हिट आट में कितने दिनों में आ जाते हैं आपके पशु? हिट में तो 1.5 साल के आसपास में आ जाते हैं। सारे पशु आपके समय पर कैबिन हो जाते हैं? हाँ, समय पर होते हैं जी। आजकल बहुत ज्यादा रिपीटर की समस्या होती है आम पशुपालक को? ना जी, कोई समस्या नहीं है, मैंने मिक्सर तो यूज करा लगातार रूटीन में, उससे कोई समस्या नहीं आती है। लगभग कितना दे देते हो एक भैंस को मिनरल मिक्सर? 50 ग्राम की डोज तो हर रोज है रेगुलर देते हैं। दाने में देते हो अलग मिला के देते हो? नहीं, दाने में डाल के देते हैं। ये 14-70-10 की फीमेल का आप है। 14-70-10, इसकी सेवा कम करिएगा भाई साहब। इसकी सेवा कम नहीं करी, इसका पेट खराब हो गया था, 2-3 महीने चल गई। अच्छा, इसका गड़बड़ में फिर सिंह भी बहुत ज्यादा खुली है इसकी माँ के, या वैसे आ रहे कुकुरा रहे? वैसे आ गए जी, इसकी माँ के तो बड़ा अच्छा सिंह है, छोटा है बिल्कुल। इसकी भी रिंकल्स वगैरह दिखाते हैं आपको। बहुत ही बढ़िया इसके भी। और एक ये PC575 की फीमेल है जी। PC575 की? हाँ, बुल गवर्नमेंट अपना अचल डीबी का बुल है, 5000 प्लस। इसकी बहुत ज़्यादा वो है रिंकल्स है बोलते हैं हमें, ये आप देख सकते हैं जी। सबसे ज़्यादा इसी विलेज से सिस्टम बने हैं, इस कटड़ी का ज़्यादा बने हैं औरों से। इसकी माँ का रिकॉर्ड कितना भाई साहब? इसकी माँ तो फर्स्ट टाइमर 14-14.5 किलो दूध दिया जी। चलो आने वाले समय में अच्छे निकलेगी। और एक ये है कटड़ी, ये शेरू बुल की है जी। शेरू ABC वीरावली का जी, राज्य सरपंच का बुल है, जो कि उमरा गाँव से खरीदे हुए उन्होंने। बहुत ही अच्छी तैयार रखी है भाई साहब ने, सभी की एक ही डाइट होती है भाई साहब तैयार करने की। और आगे वाली है भाई साहब की छोटी बच्ची है, दुराना बुल ABC का, ये भी बहुत ही अच्छी ZWA का है, साइनिंग बहुत ज्यादा है इसके अंदर, आप देख सकते हैं जी। हर बुल जो है सिलेक्टेड बुल इन्होंने ले रखे है ABC बैंक के अंदर, सीमन बैंक का, जो अच्छी कटड़ी बनेगी यहाँ से, आप देख सकते हैं जी। इसका जो भी करेक्टर बढ़ने लग रहे हैं। और एक ये जोटी रह गई है, इसके बारे में और बताएं भाई साहब। ये अपने नॉमिनेटेड बुल M416 की है जी। M416? हाँ जी। ये भी 5000 प्लस रिकॉर्ड का है, HLDB का। हाँ जी। बहुत ही अच्छी हाइट लेंथ की, पेट फुट की चौड़ाई 1 महीने की क्या बने जोटी। इतने कम उम्र में? हाँ, बस तीसरी हिट में आ चुकी है जी, ये 1.5 साल की हुई है, 19 महीने करीब है ये जिसकी। देखो जी, 19 महीने की कटड़ी गैबन हो गई 1 महीने की, और आम पशुपालक घर तो 3-3, 4-4 साल तक भी नहीं होते भाई साहब। और नवाब से प्रेग्नेंट करवाई है,
बहुत ही साफ सुथरा ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं। टोटल कितने पशु भाई साहब आपके पास? 14-15 पशु जी, छोटे बड़े सारे। सभी का पता कर रखते हैं, हर एक बुल की डिटेल, हर एक बुल के सीमन। बस आप ब्रीडिंग पे आपको कब से शुरू किया काम? 4 साल हो गए जी हमने, 5 साल है ब्रीडिंग पे चल रहा है। फोकस, मेन फोकस ब्रीडिंग का ही अपना। दूध में तो इतनी इनकम है नहीं, ब्रीडिंग से अच्छे बच्चे तैयार करके फिर दूध की भी और ब्रीडिंग की भी दोनों की इनकम हो जाएगी। अपनी कीमत भी अच्छी मिलती है ब्रीडिंग वाले पशु दूध पे अच्छा तुलाएंगे तो। हाँ, ब्यूटी प्लस मिल्किंग हो जाएगी, उसमें पैसा भी अच्छा लगा पशुओं का और अच्छे पशु भी तैयार हो जाएंगे अपने पास। तो आप वेरावली सीमन बैंक के ही जो सीमन यूज करते हैं लगभग? हाँ, ज्यादातर वही यूज करते हैं अपने, गवर्नमेंट और वो उन्होंने सिलेक्टेड बुलों रखे हैं सभी को। तो आपका अपना 70 रुपये प्लस प्लस चला जाता है जी, तो इसमें आपका ठीक गुजारा चल जाता है? हाँ, ठीक गुजारा हो जाता है जी, फीड का खर्चा निकल जाए, अपने बच्चे तैयार हो जाए, इनकम अपनी आगे हो जाएगी, बच्चे तैयार होने के बाद में ये अपनी इनकम है। तो लगभग भैंस की कीमत कितनी हो जाती है फर्स्ट टाइम में अगर जोटी भी तैयार हो गई जाएंगी? 15-16 किलो जी, वैसे तो खर्च बहुत हो जाए, 1.5 लाख प्लस बिकना चाहिए पशु फर्स्ट टाइमर, तब जाके इसकी पूरा खर्चा पूरा होगा। फिर ये मान लेते हैं फर्स्ट टाइमर का दूध लेके उसका वो खर्चा लेवल करके और सेकंड टाइम में वैल्यू अच्छी लग जाए पशु की, सेकंड टाइम में सेल करें करना है तो। आपको कोई कटड़ा वगैरह तैयार करते इतने सारे पशु आपको आपके पास है? कटड़े बहुत तैयार किए जी, 2-3 कटड़े तैयार किए, अच्छी कीमत में बिक नहीं पाई, बस करके अब कटड़ा तैयार करना बंद कर दिया। खर्चा बहुत ज्यादा होता है कटड़ा तैयार करने में, ज्यादा हो जाए और बाद में तब बेचते हैं तो उसका कुछ कीमत मिल नहीं पाती, कुछ एक आधे बच्चे होते उसका खर्चा पूरा हो जाता है, बाकी तो कम में ही जाते हैं। हाँ जी। तो कैसी लगी वीडियो आपको? इसी तरह की जानकारी की वीडियो आपके आपके साथ लेकर के आएंगे, और एक आधी जो अच्छी भैंसी होगी जो कि सेल परचेज की उसकी वीडियो लेकर के आएंगे। तो धन्यवाद सभी भाइयों को वीडियो देखने के लिए, आपको कैसे लिए कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के मुरा का जो पशुधन देखने के लिए बने रहे हमारे साथ इसी चैनल पे।